हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिहारी स्टाइल कंदूरी आलू की सब्जी, जो सबसे अलग बनती है। चलिए बनाते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने 15 से 20 कंदूरी को लिए हैं, 5 उबली हुई आलू, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तड़का में इधर जीरा, 1 सूखी मिर्च, आधा चम्मच हींग, 1 तेज पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े बड़े टमाटर कटा हुआ। तो चलिए, सबसे पहले जो उबले हुए आलू लिए हैं, उस आलू को हम हाथों से फोड़ लेंगे। दोस्तों, देसी अंदाज में ऐसे ही बनता है। ये देखिए, दूसरी तरफ गैस में हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल यूज करते हो उसी को ले लीजिए। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे कंदूरी। कंदूरी को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए, कंदूरी मेरा भून रहा है अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेंगे। सारे कंदूरी को निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे तड़का। तड़का के चटक जाने के बाद अब इसमें डालेंगे हींग। तेज पत्ता, ये देखिए, तड़का अच्छे से चटक गया है। फिर डालेंगे इसमें टमाटर। दोस्तों, अगर आप टमाटर पसंद नहीं करते हैं तो टमाटर को आप स्किप कीजिए। इस सब्जी को प्याज लहसुन के साथ भी बना सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से। ये बिना प्याज लहसुन का है। टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद टमाटर को हम ढक देंगे 10 सेकंड के लिए, 10 से 20 सेकंड के लिए ढक दीजिए। ये देखिए, ढकने के बाद हम इसे ढक्कन हटा के देखेंगे। ये देखिए, टमाटर अभी पका नहीं, इसीलिए थोड़ा देर हम और रखेंगे। ये देखिए, 1 मिनट के बाद टमाटर पक गया है। अब इसमें डालेंगे मसाला। सबसे पहले हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप स्किप कीजिए, लाल मिर्च ही डालिए। इन सभी को डालने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाले हैं और इसे ढक के छोड़ दिए थे 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। ये देखिए, 1 मिनट के बाद आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। मसाला बहुत अच्छा से भुना है। अब हमने उबले हुए आलू को जो तोड़ के रखे थे,
सभी आलू को मसाला में डाल देंगे। ये देखिए मसाला को आलू में बहुत अच्छे से मिलाएंगे। मसाला में मिलाने के बाद इसे एक मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, जिससे मसाला में आलू अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए ढक्कन हटा दिए हैं, मसाला में आलू भुन गया है। अब इसमें डालेंगे पानी। दोस्तों आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि जब हम इसमें कुम रोटी डालेंगे तो पानी पूरा सोख लेगा। ये देखिए अब इसमें डाल दिए हैं कुम रोटी। डालने के बाद अब इसमें डालें हैं गरम मसाला। इसे अच्छी तरह मिला देंगे और इसे ढक के छोड़ेंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद चलिए दिखाते हैं आपको सब्जी। ये देखिए 3 मिनट के बाद सब्जी ऐसा है, इसे हमने फुल फ्लेम में बनाए हैं। फिर से हमने ढके थे इसे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब ये ऐसा है, इसे फिर से ढके हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों 2 मिनट के बाद सब्जी अब ऐसा है, बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर डालेंगे कटी हुई धनिया। धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो गैस को हमने बंद कर दिया है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।